जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जे एन के यूटी। जैसे कि आप सबको पता है, कल ही क्लास फोर्थ की जो जे के एस एस बी द्वारा शॉर्ट लिस्ट आउट की गई है, आज हम उसी के बारे में शॉर्ट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 23 मार्क्स आए हैं वो क्वालिफाइड हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स आए हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, और जिनके 50 मार्क्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं है। बड़े स्टूडेंट्स अभी तक कन्फ्यूजन में है कि जो 23 वाला वो क्वालिफाइड है और हमारे 50 होकर भी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया अभी तक हमें इसमें। और गाइस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमें जहाँ तक पता चला, जिनसे हमने पता किया है, सारे यही बोल रहे हैं कि 23 वाले को सिलेक्शन मिल रही है और जिनके 35-40 मार्क्स हैं उनको भी सिलेक्शन नहीं मिल रही है। जेके एसएसबी ने मतलब ऐसा क्यों किया, सारे अब यही जानने के लिए अब तरस रहे हैं कि भाई आखिर हुआ तो हुआ क्या ये। और दूसरी बात ये, और जो शॉर्ट लिस्ट से पहले इन्होंने एक हमसे एक प्रॉमिस किया था कि जो इसमें ग्रेजुएशन वाले हैं जो उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, और जब कल लिस्ट आउट हुई उसमें इन्होंने जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। ये जो चीज़ है ये इनको पहले देखनी चाहिए थी, जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको एलिजिबल नहीं रखना चाहिए था इसमें। अब मैं एक ही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी सारे कैंडिडेट्स की तरफ से, जे के एस एस बी वालों को मेरा यही सवाल है सारे कैंडिडेट की तरफ से, जगह से भी, अगर आपने 23 मार्क्स वाले को क्वालिफाई किया है तो आपने 35 और 40 मार्क्स वाले को क्वालिफाई क्यों नहीं किया। जितना भी कैंडिडेट जितना एस्पिरेंट क्लास फोर्थ में अप्लाई हुआ है उन सबका एक ही क्वेश्चन है, जो 23 वाले को आपने क्वालिफाई किया, हमें क्यों नहीं किया 40 मार्क्स वालों को। सबको ये जानना है कि भाई उन्होंने डिसक्वालीफाई क्यों किया 40 मार्क्स वालों को और 23 मार्क्स वालों को क्वालिफाई क्यों किया। हर बच्चा हर एस्पिरेंट यही जानना चाहता है कि भाई उन्होंने हमें हमारे केसेस भी वालों ने हमारे साथ ये क्या किया है और क्यों किया है। बाकी मैं सारे कैंडिडेट की तरफ से जगह एसएससी वालों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई नोटिफिकेशन निकालें जिसे हमें पता चले कि आपने 23 वाले को क्वालिफाई क्यों किया और 35 और 40 50 वाले को डिसक्वालीफाई क्यों किया है। और साथ ही साथ जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो सबको पता है ये कि जो ये अपने ग्रेजुएशन वाले हैं वो डिसक्वालीफाई होने चाहिए और होंगे, बट ये जेकेएसएसबी को देखना चाहिए कि उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि ये जब पोस्ट आउट हुई थी इन्होंने स्पेशली इस पर मेंशन किया था ये सिर्फ 10th और 12th वाले हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ग्रेजुएशन एलिजिबल नहीं होंगे। बट इन्होंने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई हैं जो कि 23 मार्क्स वाले हैं। तो अब हमें यही देखना है आगे कि जेकेएसएसबी वाले हमारे एस्पिरेंट्स की बात, कैंडिडेट्स की बात सुनते हैं या नहीं। और साथ ही साथ जब ये क्लास फोर्थ के फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे तो उन्होंने वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया था 12th और 10th वाले इसमें एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन वाले नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा था अगर उस दौरान जब फॉर्म भर रहे थे अगर उस दौरान किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो वो एलिजिबल है, अगर किसी ग्रेजुएशन उससे फॉर्म भरने के टाइम से पहले कंप्लीट हो चुकी है तो वो एलिजिबल नहीं होगा उसमें। ये नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली थी, बट हम चाहते हैं कि जेकेएसबी वाले इस चीज़ को देखें कि उन्होंने 23 वाले को क्वालिफाई किया, 35 वाले को बाहर किया है, जो कि अभी जो शॉर्ट लिस्ट निकली है उसमें मैक्सिमम ग्रेजुएशन वाले हैं, जो कि ग्रेजुएशन वालों के लिए ये फॉर्म नहीं था। 10th और 12th वाले जो कि जिनके 40 आए 50 आए वो एलिजिबल नहीं है, 23 वाला जो ग्रेजुएशन वाला उसको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में ना मिला है। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि ये जेकेएसबी तक ये बात पहुँचे कि भाई आखिर ये हुआ क्या है, और स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज हैं कि भाई हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं है, ग्रेजुएशन वालों को जब मना था इसमें वो कैसे एलिजिबल हुए। जितना हो सके शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी एस्पिरेंट थे क्लास फोर्थ के 10th 12th बेस पे जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उन सारे एस्पिरेंट की तरफ से मैं जेकेएसएसबी वालों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें हमें ये जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हमें उनके आंसर दें कि 23 वाला क्वालिफाई क्यों है और जो 35 और 40 वाला है वो डिसक्वालीफाई क्यों किया है, और ग्रेजुएशन वालों को इसमें एलिजिबल कैसे किया गया है। बस आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल जे एन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।